बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ये खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट के बड़े नेता हैं, बॉलीवुड से भी उनका बड़ा कनेक्शन रहा है। कई बार इफ्तार पार्टी वो आयोजित करते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता और तमाम बॉलीवुड एक्टर्स शामिल होते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 गोली लगने की खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी को 3 राउंड फायरिंग की गई है, उन पर उनको 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। तो ये बड़ी खबर है, अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां से खबर आई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। एनसीबी, अजीत पवार गुट से उनके ताल्लुकात थे, उनके नेता थे वो, और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी जो कि अजीत पवार गुट से आते हैं उनकी हत्या कर दी गई है। थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन अब खबर है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। एनसीपी नेता गुट के, एनसीपी अजीत गुट के वो नेता हैं, और बाबा सिद्दीकी जो कि लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, कुछ देर पहले ही उन पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी। अब खबर है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजीत पवार गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, कई बार इफ्तार पार्टी भी आयोजित करते हैं मुंबई में, जिसमें बड़े बड़े नेता और एक्टर शामिल होते हैं। बॉलीवुड से उनका खासा अच्छा खासा कनेक्शन रहा है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या बड़े बड़े नेता हो, या बड़े बड़े एक्टर्स हो, उनकी इफ्तार पार्टी में वो शामिल होते थे। एनसीपी अजीत पवार गुट के वो नेता थे, बड़ा नाम थे महाराष्ट्र की राजनीति में। अब खबर है कि अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। मेरे साथ इस वक्त अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत जी, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे क्या वजह है, वजह क्या है इस गोलीकांड के पीछे? हिमांशु, अभी जो तत्काल जो समाचार मिल रहा है हम लोगों को, इसमें खबरों के मुताबिक जो बाबा सिद्दीकी हैं उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब वो गोली लगने के बाद डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ही उन्हें डेड डिक्लेयर किया। उनके बेटे जिशान हैं, उनके दफ्तर के बाहर जो बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके ऊपर गोलीबारी अचानक हुई, हमलावर जो थे वो अचानक उन पर हमला कर दिया, और जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर घोषित किया है। आपको बता दें कि पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात कर रही है, खासतौर पर निर्मल नगर पुलिस है जो कि स्टेशन जो किसी के अंतर्गत आता है, वहां पे पुलिस अब इस मामले की जो है देख रही है, तहकीकात कर रही है। अभी जो केस की प्राइमर फेसी कहें, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो हत्या है वो किस वजह से हुई है, लेकिन ये बात तो देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर हो गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बड़े नाम रहे हैं, एनसीपी गुट के बड़े नेता रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि इफ्तार पार्टी हो चाहे कई चीजें हो, वो लगातार सक्रिय रहते थे और एक बड़े मुस्लिम नेता के नाम पे जाने जाते थे। अब जो कि अभी यह मामला सामने आया है, तो लगातार ये हो रहा है कि आखिर ये हत्या की वजह क्या है, किसके साथ उनकी जो है इस तरह की दुश्मनी थी, क्या क्या एंगल्स हैं, अब पुलिस इस मामले में जुटेगी। लेकिन अभी जो ताजा समाचार ये है कि पहले उनको अस्पताल लीलावती में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। हिमांशु जी, अमृत, इसमें दो चीजें हो सकती है, अभी महाराष्ट्र के चुनाव भी करीब है और अंडरवर्ल्ड की भी चीज इसमें सामने आ सकती है। आपको क्या लगता है कि अंडरवर्ल्ड से बाबा सिद्दीकी की मौत का कोई कनेक्शन है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रह चुके हैं और वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि कई सारे जो चीजें देखा जाए तो वो रियल एस्टेट के कारोबार से भी उनका बहुत सारा नाता रहा है। तो इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो रियल एस्टेट के जो माफिया हैं उनके साथ उनके टकराव हो सकते हैं, और जब रियल एस्टेट सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसमें अंडरवर्ल्ड का नाम सामने आता है,
जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे बाबा सिद्दीकी का इसमें कहीं ना कहीं उनके लिए थ्रेट होगा और इसी के चलते जो है ये हो सकता है कि ये हत्या हुई हो। लेकिन इसमें अभी कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन हत्या के पीछे असली कारणों का काम पता जो है थोड़ी देर बाद चाहे हो सकता है कि जब पुलिस इसमें जांच में घुसे उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल है कि जो उनकी हत्या हुई है वो बहुत ही अचानक हुई है और इसके मद्देनजर जो है पुलिस जो है वो जांच विषय में जुड़ गई है। साथ ही साथ अभी जो चूंकि अभी ये केस की प्राइम फेसी का एंगल चल रहा है कि हत्या हुई है, उनकी गाड़ी रोकी गई, उसके ऊपर हत्या की गई, अभी इसकी जो है जांच जो है चलने वाली है। हिमांशु जी अमृत, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है बाबा सिद्दीकी, तो क्या अमृत कोई सिक्योरिटी कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उनके साथ पुलिस वाले नहीं थे या कोई अंदेशा नहीं था कि उन पर ऐसा कोई हमला हो सकता है? नहीं, देखिए जो सुरक्षा होती है जिस तरह की एक प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दी जाती है वो दी गई थी बाबा सिद्दीकी को, लेकिन ये जो घटना हुई अचानक हुई है और इसके चलते जो है ये किसी को अंदाजा नहीं था कि क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी रोजाना की जो भी दिनचर्या होती थी वो लगातार चलती रहती थी, लेकिन इसमें ये माना जा रहा है जो एंगल सामने आ रहा है कि हत्यारे जो है लगातार उनके पिछले 8-10 दिन की रेख ही किए हुए थे कि इनकी जो गुजरने चलने की पद्धति क्या रही है, क्या कैसे वो अपने कामकाज को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि इनके बेटे के जो ऑफिस है वहां नजदीक इनको जाकर के गोली मारी गई है। यानी कि इनको पहले से भनक थी कि ये कब निकल रहे हैं, क्या हथियारों का जो एक कहा जाए कि उनको सूचना थी, इंटेलिजेंस थी कि ये कहां से कब निकलने वाले हैं, उसके आधार पर ये फायरिंग हुई है। क्योंकि जो अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पुलिस इस मामले में पहले तो ये है कि अभी इस पूरे केस को जो है अभी देख रहे हैं, तहकीकात कर रही है, अब इस पूरे मामले में पुलिस जब पूछताछ करेगी। मेरा सवाल है कि अब ये मुंबई इंटेलिजेंस और मुंबई पुलिस का एक तरह से फेलियर नहीं कि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता पर सरेआम फायरिंग हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो कोई मुंबई पुलिस का ये फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस का? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और उनका जुड़ाव जो है बिजनेस लॉबी से लेकर के राजनीति के हर एंगल तक शामिल है, ऐसे में अगर मुंबई पुलिस इस मामले को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाती, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाती हो, तो निश्चित रूप से एक फेलियर है। लेकिन अब ये देखना ये है कि इसका, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र के आने वाले हैं और एनसीपी गुट के ये नेता हैं, यानी कि एनसीपी गुट ऑलरेडी सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार में है, जब एक महाराष्ट्र सरकार का भीतर बैठा हुआ नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी इससे क्या अपेक्षा करे। तो एक बहुत बड़ा इसमें राजनीतिक एंगल भी शामिल हो सकता है, इसे किसी को ये बात कोई खारिज नहीं कर सकता है। अभी चूंकि अभी एक बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत आयामों में यह जांच चली जाएगी कि हत्या करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, पीछे उनके कई सारे कामकाज रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े कई सारे उनके लिंक्स रहे हैं, और तीसरा जिसकी तरफ आपने अपनी बात में इशारा किया कि और कहीं अंडरवर्ल्ड से कोई थ्रेट तो नहीं था, तो अभी इसमें पुलिस को देखना है कि देखिए इसके पूरे मामले को तहकीकात की जाए कि असल कारण क्या है, क्योंकि अभी केस यही है कि उनको गोली मार दी गई, अस्पताल में गए, भर्ती हुए, उसके बाद उनको डेड डिक्लेयर घोषित किया गया। हिमांशु बिल्कुल अमृत, एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र के चुनाव करीब है, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े तमाम नेता मुंबई में रहते हैं, तो क्या उनको यह डर नहीं सताएगा कि बाबा सिद्दीकी पर जैसा हमला हुआ है वो हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि एक सत्ता पक्ष के नेता पे जब इतना बड़ा हमला हो जाता है तो दूसरे नेताओं के ऊपर भी खतरा जरूर मंडराता है, क्योंकि देखिए राजनीति में जो लोग होते हैं उनको कई तरह के खतरे भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि राजनीति एक जो है कहा जाए कि बहुत ही बड़ा कुशन है और आराम से रहते हैं लोग, वो बहुत सारी चीजों से जो है जूझ भी रह रहे होते हैं। चूंकि अब ये जो मामला जब ये घट गया है मुंबई में, देखेंगे मुंबई में इससे पहले इस तरह की कोई राजनीतिक हत्या या कहें किसी अंडरवर्ल्ड का थ्रेट जिसको हम अभी एजम्पशन के तौर पर मान लेते हैं तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। मुंबई काफी शांत थी, काफी सही तरीके से चल रही थी, राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे, लेकिन राजनीतिक हत्याओं का जो है अभी दौर नहीं था। इसमें देखा जाएगा पहली कड़ी है कि जब बाबा सिद्दीकी किस तरह से हत्या हो जाती है, अब यह हत्या होने के बाद जो है अब फिर से कान खड़े हो जाएंगे मुंबई पुलिस की कि हत्या के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह के एलिमेंट शामिल हैं, क्या क्या इसके समीकरण हैं, क्योंकि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब सरकार
ऐसे दौर में है जब उससे जवाब मांगा जाएगा, जब उससे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, और ऐसे वक्त में उसी के पार्टी से, उसी के दल से जुड़े हुए एक नेता की हत्या हो जाती है, तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी को लेकर का जो डर है वो दूसरे जो भी वीवीआईपी है उनमें तो जाना लाजमी है। अब ये चूंकि इस मामले की जहां तक बात है, पुलिस महकमा क्या करने वाला है वो देखने की बात है कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है, क्या होने वाला है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सत्ता पक्ष के नेता पर ऐसा हमला, उनकी हत्या हो जाना, कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस पर सवाल उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत, तमाम जानकारी के लिए।